हेलो गाइस, स्वागत है आपका मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन की एक और वीडियो में। जैसा कि आपको पता ही है कि स्टॉर्म से मैं सारे सुपर विलन्स को मार के उनकी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और मेनली मैं डार्क डोमेंस के विलन्स को मार रहा हूँ, इसके अलावा मैंने माइस्ट्रो को और मार के आपको दिखाया था। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने बैरन मोर्डो को मार दिया, और अब इसके बाद जो नेक्स्ट सुपर विलन आता है वो आता है डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज, ठीक है। बोले तो सॉर्सरर सिनिस्टर मिशन का नाम है, ठीक है। रही बात डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो इसकी वीडियो मैंने मैजिक से भी आपको बना के बताई है, और उससे मैं आपको बहुत हद तक पैटर्न बता पाया था, ठीक है। पर अब स्टॉर्म से मुझे और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज के पैटर्न्स पता लग गए हैं। मैजिक की हेल्थ अच्छी होती है, डिफेंस भी अच्छा होता है, इसलिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। पर स्टॉर्म से मैंने जो पता किया है, तो स्टॉर्म के डिफेंस थोड़ा कम होता है, इसलिए मुझे उसके पैटर्न्स बहुत एकदम करेक्टली जानने थे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको मैजिक वाली वीडियो में बताया था कि वो टेलीपोर्ट होके या फिर टेलीपोर्टेशन वो सर्कल से, ठीक है ना, सुइयाँ निकालता रहता है, या भाले बोलूँ क्या बोलूँ उन्हें, तीखी तीखी या बीम्स मान लो उन्हें, वो जो सुइयाँ होती हैं, मैं बीम बोल रहा हूँ, वो निकालता है जो उससे आपको बचना है। पर मुझे अभी भी पता लगा कि टेलीपोर्टेशन से सुइयाँ भी निकालता है या बीम मान लो, और तलवार भी निकालता है, ठीक है। दो अलग पैटर्न हैं ये इसके, एक है टेलीपोर्टेशन ग्लोव सर्कल बना के बीम से निकालना, और है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल बना के तलवार निकालना, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तलवार के बाद ये टेलीपोर्ट होकर आपके ऊपर अपने हाथ से एक बीम मारेगा डॉक्टर स्ट्रेंज, और वो ही इसका सबसे डैमेज वाला, सबसे डैमेज करने वाला अटैक पैटर्न है। आपको उसके वक्त हो सके कैसे भी बचना है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करेगा, छोटी छोटी टेलीपोर्टेशन बीम्स चलाएगा, फिर बीम्स चलाने के बाद टेलीपोर्टेशन बीम्स को एक साथ चलाएगा, तीन या चार, जैसे जैसे इसकी हेल्थ कम होती जाएगी वैसे वैसे वो तीन चार आठ होते जाएंगे, छः आठ, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, ये एक फिक्स सर्कल के अंदर वो मिरर मिरर डायमेंशन खोल देगा, और मिरर्स उसमें टूट टूट के गिरेंगे, ठीक है। और फिर चौथे टाइम में ये फिर से वो टेलीपोर्टेशन बीम जैसे टेलीपोर्टेशन तलवारें चलाएगा, ठीक है। वो आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ टेलीपोर्टेशन तलवार चलती रहेगी, और फिर एक जगह जाके सब एक साथ चलेंगी, ठीक है। और उसके बाद ये खुद टेलीपोर्ट होके आपके पास में आएगा, टेलीपोर्ट होके कहीं भी होगा, ये सेंटर में होगा, मतलब सेंटर से आपके पास आएगा टेलीपोर्ट होकर, फिर आप पे बीम चलाएगा। और जो ये बीम चलाएगा, ठीक है ना, वो सर्कल वाली बीम नहीं होगी, अपने हाथ से बीम फेंकेगा, ये अपने हाथ से डैमेज करेगा, एक अजीब सी रे सी छोड़ेगा, और वो रे ही सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, आपको उसी रे से बचना है बस, ठीक है। अब मैं चलता हूँ और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है। रही बात कॉम्बेट पावर की, कॉम्बेट पावर में कोई भी खास अंतर नहीं आया है, पहले 648 थी अब 652 हो गई है, कुछ भी नहीं, मेरे को एक कंपेनियन मिला है 3 स्टार, उसकी वजह से थोड़ा कॉम्बेट पावर मेरी बढ़ गई है, 648 से 652 हो गई है, ठीक है। मैं आपको कंपेनियन भी दिखा देता हूँ, कौन सा कंपेनियन मिला है मुझे, मुझे वॉर मशीन 3 स्टार मिल गया है, ये देखिए वॉर मशीन 3 स्टार, और थीना भी 3 स्टार मिल गई है, तो ऐसा कुछ हो गया है मेरे साथ, तो वही है। पर मैं डैमेज वाले कंपेनियन ना लेके अभी भी हेल्थ वाला कंपेनियन ही लेके जा रहा हूँ, जो कि मेरा रेयर कंपेनियन है, स्पेशल कंपेनियन, तीनों तीनों स्पेशल कंपेनियन मैंने छोड़ रखे हैं, और रेयर यूज़ कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हेल्थ वही देता है, और डिफेंस की बहुत किल्लत है भैया, डिफेंस की बहुत किल्लत है, ठीक है। रिकमेंडेड पावर से कम है करंट पावर, पर कोई नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिकॉर्डिंग के साथ साथ मेरी डिवाइस बहुत हीट हो रही है, मैं इसका वो कम कर देता हूँ ग्राफिक्स, ठीक है ना। आप लोगों को वैसे ही पैटर्न से मतलब है, ग्राफिक्स से नहीं, ठीक है। हेल्थ वही होगी मेरे हिसाब से 87,000, 86,000 और हो गई है देख रहे हो आप, कम और हो गई है, ठीक है। उसके अलावा मैंने हमेशा की तरह वही किया है, अपने मेन कैरेक्टर का जो कॉस्ट्यूम भी है टॉर्सो वाला पार्ट, उसको फिर से ट्रांसम्यूट करके आया हूँ, और विश्वास नहीं करोगे मेरे को 15 लाख लग गए इस बार ट्रांसम्यूट करने में भैया, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, पर चलो कोई बात नहीं, वीडियो बनानी है तो ये तो करना ही होगा, ठीक है। ये हमारा डार्क डॉक्टर स्ट्रेंज है, और इसे ही हमें मारना है। रही बात स्टोरी की, तो स्टोरीज कभी और बता दूंगा मैं आपको, खत्म, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपको डैमेज बता देता हूँ, आप उसके हेल्थ के हिसाब से देख लेना, जैसे कि अभी आपने देखा, हाँ ये है सुई या भाल या बीम, ठीक है, ये सर्कल बीम है जो टेलीपोर्ट करके ये मारता है, ठीक है ना। ये देखो ये फिर से सर्कल बीम है जो टेलीपोर्ट करके ये मारता है, ठीक है। इसके बाद ये कांच चलाएगा, कांच चला दिए, इसके बाद ये तलवारें छोड़ेगा टेलीपोर्ट करके, देखो ये तलवारें हैं टेलीपोर्ट करके, अभी देखो एक साथ तलवारें चली, अब इसके बाद ये टेलीपोर्ट करके बीम चलाएगा, और आपने देखा जैसे इसने बीम चलाई मेरी कितनी कम हेल्थ हो गई, 30% के आसपास या 20% के आसपास हो गया था, मैं शायद 60-70 के आसपास था, तो देख रहे हो आराम से 50% के आसपास का डैमेज कर देता है, ठीक है ना। वरना मैं दोबारा करके देखता हूँ, ठीक है, कांच चल गए, कांच चलने के बाद ये तलवारें चलाएगा, ठीक है। अब तलवारों के बाद ये देखो 70% है, बीम चलाएगा टेलीपोर्ट होके, कहाँ है बीम नहीं चलाई, चलानी चाहिए थी, 84% है भाई बीम चला टेलीपोर्ट होके, नहीं ये तो सिर्फ भाले ही चला रहा है, भाले सुइयाँ जो भी बोले ने सुइयाँ चलाई, ठीक है। अभी तक तब वो चलाए, अब तलवारें आएंगी, तलवारें आएंगी, तलवारें आएंगी, तलवारें आएंगी, ओ मर गया गाइस, आपको दिखाने के चक्कर में मर गया, कोई बात नहीं। पहला तो मैं वैसे भी दिखाता हूँ डैमेज, डैमेज ही तो डैमेज ही दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। वो डायमेंशन बहुत अच्छा डैमेज करते हैं, ध्यान रखना, ये बीम भी अच्छा खासा डैमेज करती है, तीनों एक साथ चलेंगी तो मेनली आपकी मेरी तो 20% के आसपास ही हेल्थ बचती है, ठीक है ना। अभी तलवारें चलाएगा, ठीक है, तलवारों के बाद ही टेलीपोर्ट होकर आएगा और बीम चलाएगा, वो कब चलाएगा, हाँ अब मेरे पास आया, सबसे पहले सुइयाँ चलाई सर्कल सुइयाँ, ठीक है। इसके बाद
ये, हाँ ये चला रहा है ठीक है, इसके साथ तलवारें चलाएगा, ये एक साथ तलवारें 50% चलते हैं। अब बीम चलाएगा अपने हाथ से, देखा बस 10% ही हुआ, अभी नहीं ज़्यादा होता है इससे, पता नहीं इस बार किस्मत फूटी थी, ज़्यादा होता है इससे। चलो कोई बात नहीं, पैटर्न मैंने आपको बता दिया ठीक है। सबसे पहले सुइयाँ ठीक है, सुइयों के बाद कांच है ना, ये सॉरी मेरा डायमेंशन, फिर तलवार वाले टेलीपोर्टेशन, तीन बार करेगा फिर एक साथ आएंगी, और उसके बाद खुद आएगा और आके ये बीम चलाएगा, फिर वापस वहाँ जाएगा, फिर वहाँ पे एक सुई मतलब टेलीपोर्ट होकर सुइयाँ ठीक है, सुइयों के बाद फिर से एक और बार सुइयाँ ठीक है, फिर मेरा डायमेंशन, ये मेरा डायमेंशन खोले, अब तलवारें, तलवारें अच्छा डैमेज करती हैं, टेलीपोर्ट करके जो आती हैं, दो तीन, अब एक साथ, हाँ अब खुद आएगा और आके बीम चलाएगा, ये आके बीम चला दी, अब वापस वहाँ जाके सुई चलाएगा, सुई चलाई मारो सुई के बाद ठीक है, अब इसने छोटी सी बीम चलाई, अब फिर से सुई चलाएगा। ओहो सुई का डैमेज देखा आपने, कितना खतरनाक हुआ मुझे, मेरी हेल्थ देखो। अब ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में आप इसे मारना है, मारते रहना है, मारते रहना है, मारते रहना है ठीक है ना, और ये जो भी अपनी पावर सी बढ़ा रहा है बैठ के वो खत्म करनी है। पहले मुझे लगता था कि इसमें गार्ड ब्रेक करना होता है, पर गार्ड ब्रेक नहीं करना होता ठीक है, आपको सिंपल से मारते रहना होता है और कुछ टाइम बाद अपने आप ही सारे टेलीपोर्टेशन बंद हो जाते हैं। हो गए, शायद इस बार गार्ड ब्रेक ही हुआ है, कहेगा बिना गार्ड ब्रेक की, ओ सुइयां सुइयां सुइयां, पीछे जाओ उसके, सुइयों में सबसे अच्छा था पीछे जाओ ठीक है, अब क्या वही चलेगा, मेरा डायमेंशन एक और सुइयां, ज़्यादा दो सुइयां चलाता है ये। ओके मेरा डायमेंशन, अब आएंगी तलवारें, एक तलवार, दो तलवार, अब तीन तलवार और सारी एक साथ तलवार, अब खुद आएगा टेलीपोर्ट होकर बीम चलाने और मैं मर गया। देखा आपने, देख रहे हो आप बीम कितनी डैमेज करती है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको यही चीज़ कि बीम अच्छा खासा डैमेज करती है। तो यही थे इसके सारे पैटर्न्स, सबसे पहले एक सुई, फिर सुइयाँ एक साथ टेलीपोर्ट होकर आपके ऊपर एक साथ सुइयाँ चलाएगा, पीछे चले जाइए, क्योंकि ये सुइयाँ एक साथ चलाता है तो पहले सुइयाँ बनाता है फिर वो चलती हैं ठीक है, उसके बाद फिर से ये छोटी सी एक बीम चलाएगी जो ज़्यादा डैमेज नहीं करती, उसके बाद फिर से टेलीपोर्ट होकर आपके पास दोबारा सुइयाँ चलाएगा, ये सुइयाँ सर्कल वाली सुइयाँ ठीक है, जैसे ही वो चलाएगा उसके बाद फिर से आप थोड़ा पीछे हो जाइए इसके, उसके बाद ये मेरा डायमेंशन चलाएगा, मेरा डायमेंशन के बाद ये सर्कल में से तलवारें निकालेगा, और तलवार बहुत डैमेज करती हैं ठीक है। सबसे पहले आपके आसपास तीन तलवार आएंगी, एक 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 एक, और उसके बाद फिर आपके ऊपर लगातार तीन एक साथ आएंगी, अगर आप उससे भी बच लिए तो ये खुद टेलीपोर्ट होकर आपके पास आएगा और अपने हाथ से एक बीम छोड़ेगा जो भी अच्छा खासा डैमेज करती है, जैसे कि आपने एकदम एंड में देखा मैं उसी से मरा हूँ ठीक है। और जब ये हो जाएगा उसके बाद जैसे जैसे आप हेल्थ कम करते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग इसके पैटर्न आते जाएंगे, जिसमें एक मैंने आपको बताई दिया बड़ा सा सर्कल बना था ठीक है, उन बड़े सर्कल में से बहुत सारे विलन्स आते हैं, उन विलन्स को मारना होता है ठीक है। उसके अलावा एक और है जो मैंने आपको मैजिक की वीडियो में बता रखा है, जिसके अंदर ऊपर उठ के बड़ा सा ग्लोब बनाता है, उसमें अपन को घोस्ट राइडर के प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन ग्लोब में जाना होता है ठीक है। तो मैंने आप पूरे पैटर्न और आपको उसका डैमेज भी बता दिए हैं लगभग लगभग ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर आपको पैटर्न पता है तो डैमेज खाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको परफेक्ट रन दिखाता हूँ ठीक है, लेट्स गो फॉर परफेक्ट रन, नहीं नहीं जमीन पर रहेगी, ठीक है ये टेलीपोर्ट होके बीम चलाएगा एक ही डायरेक्शन में, बस की यही खास बात है, देखो उधर ही चला रहा है, अब एक बीम चलाएगा मेरे ऊपर हाथ से और फिर एक और डायरेक्शन में वापस से सर्कल वाली बीम सुइयाँ चलाएगा। अब इसने मेरा डायमेंशन बनाया, मेरा डायमेंशन के बाद आप भागो ठीक है, क्योंकि फिर ये वो चलाएगा तलवारें, ये देखो एक तलवार, दो तलवार, तीन, ये तीनों एक साथ तलवार, तीन तलवारें चला, अब ये बीम से ही बचा करो, सी 40-50% हेल्थ चली जाती है इससे, सुइयाँ सुइयों से बचो, अब एक छोटी सी बीम जिससे ज़्यादा डैमेज नहीं होगा और फिर ये पीछे जाके सुइयाँ चलाएगा, फिर से सुइयों वाली चीज़ बताई ठीक है। अब ये मेरा डायमेंशन खोलेगा ठीक है, भागो, अब तलवारें आएंगी, एक तलवार, दो तलवार, तीन तलवार, सारी एक साथ तलवार, अब खुद टेलीपोर्ट करके आएगा, इनविंसिबिलिटी बच गया इससे ठीक है ना, अब सुइयाँ चलाएगा एक ही डायरेक्शन में, इसे हटाए हाँ ठीक है, कहाँ गया ये रहा, अब ये बहुत बड़े बड़े वो खोलेगा टेलीपोर्टेशन सर्कल और उसमें से बहुत सारे डैम वो निकलेंगे विलेंस मॉब्स, इसलिए फटाफट इसका गार्ड ब्रेक करो या फिर इसको इतना डैमेज कर दो कि ये अपने टेलीपोर्टेशन सर्कल्स बंद कर दे। इस बार मॉब्स मेरे पास आ गए, ज़्यादातर घोस्ट राइडर या स्पाइडरमैन उन्हें संभाल लेते हैं, पर इस बार ये मेरे पास आ गए, इसलिए डैमेज बहुत हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है पीछे वालों से। ये सर्कल के ना एकदम अपोजिट साइड में रहा करो ताकि मॉब्स आपके पास ना आए और घोस्ट राइडर और स्पाइडरमैन के पास जाए ठीक है ना। ओके सबसे पहले सुइयाँ, सुइयाँ आ गई तो पीछे, इसके बाद छोटी सी बीम फिर से मेरे पास में आएगा और सुइयाँ चलाएगा, ए यहाँ पे इस साइड सुइयाँ चलाई, पीछे जाओ उसके, अब मेरा डायमेंशन खोलेगा, मेरा डायमेंशन खोल दी, अब ये तलवारें चलाएगा, कहाँ है तलवारें, ओके मैंने उसका गार्ड ब्रेक कर रखा है, मुझे ये नहीं पता था, फिर से मेरा डायमेंशन, तलवारें आ गई, इनविंसिबिलिटी चलाओ, तलवारें 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 एक साथ तलवारें, अब खुद आएगा बीम चलाएगा, बीम चला दी,
ध्यान रखना जैसे जैसे इसकी हेल्थ कम होगी वैसे वैसे इन सब चीज़ों का डैमेज बढ़ता जाएगा। तो हो सकता है बीम शुरुआत में मेरे को जो 40% डैमेज ही कर रही थी वो अब मुझे वन हिट भी कर सकती है, क्योंकि मैंने थर्ड बार पे आ चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि तीन बार पे आ गए इसलिए आप सुइयों की वो भी देख सकते हैं, सुइयों की वो बढ़ गई है, सुइयें मेरा डायमेंशन सब बढ़ गया। देखो तलवारें तीन चार पता नहीं कितनी कितनी आ गई, अब एक साथ अब ये खुद आएगा टेलीपोर्ट होके बीम चलाएगा, मैंने इनविंसिबिलिटी चला दी। ठीक है, देखिए कितनी सारी सुइयाँ हैं, देख रहे हैं आप, छः सुइयाँ थी शायद, देखिए फिर से टेलीपोर्ट हुआ, देखो कितनी सारी सुइयाँ चलाई हैं। जैसे जैसे हेल्थ कमती जाएगी सुइयाँ मेरा डायमेंशन सबकी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। ठीक है, मेरा डायमेंशन पहले तीन खुलते थे, अब चार पाँच खुलने लग गए हैं, उसके बाद तलवारें दो तीन और फिर एक साथ, अब ये खुद आएगा इनविंसिबिलिटी, आया बीम चलाई, इनविंसिबिलिटी मैं पहले ही चला चुका था। ठीक है, अब ये सुइयाँ इधर आ जाओ, अब छोटी सी बीम फिर से टेलीपोर्ट होगा और यहाँ पे सुइयाँ चलाएगा, पीछे आ जाओ उसके। ठीक है, अब मेरा डायमेंशन, ठीक है मेरा डायमेंशन से बचते हुए भागो। ठीक है, तलवारें आएंगी दो तीन चार आई शायद, अब एक साथ चारों, अब खुद आएगा इनविंसिबिलिटी, बीम चला दी, अब जाओ उसके पास, एक डायरेक्शन में सुइयाँ चलाएगा, पीछे हो जाओ। ठीक है, छोटी सी बीम, अब फिर से एक एक जगह टेलीपोर्ट होगा, क्या ग्लोब बनाने लग गया, हाँ ये रहा इसका बड़ा सा ग्लोब। क्या करना है आपको, घोस्ट राइडर के सर्कल में जाना है, ये रहा इनविंसिबिलिटी सर्कल घोस्ट राइडर का, और ये बहुत बड़ा सा गोला आ रहा है, और ओए ओए कहाँ जा रही है, खुद ही ऑटो अटैक करने पहुँच गई अभी, उड़ के पगला गई है, मर जाना अभी तुम्हें। ठीक है, मेरा डायमेंशन मतलब इसके बाद तलवारें आएंगी एक दो तीन चार पाँच पता नहीं कितनी तलवारें हैं, अब एक साथ तलवारें, अब खुद आएगा इनविंसिबिलिटी, बीम चला दी। ठीक है ना, अब एक साथ ये चलाएगा, ये इनविंसिबिलिटी चला के अल्टी चला दो। ठीक है, बहुत सारी वो आ रही हैं तलवारें, सुइयाँ मतलब सुइयाँ। ठीक है, अब मेरा डायमेंशन ओके, अब मेरा डायमेंशन कितने सारे मेरा डायमेंशन हो गए देख रहे हो, अब तलवारें ओ कितनी सारी तलवारें हो गई हैं, अब एक साथ तलवारें, अब खुद आएगा इनविंसिबिलिटी, बीम चला दी इसने। ठीक है ना, अब सुइयाँ चलाएगा, हट जाओ सुइयों वाले रास्ते से, छोटी सी बीम, अब फिर से टेलीपोर्ट होकर सुइयाँ चलाएगा, पीछे जाओ फुल ऑन डैमेज करो। ठीक है, अब मेरा डायमेंशन, ठीक है अब तलवारें भागो, एक तलवार दो तीन चार पाँच पता नहीं कितनी तलवारें हैं, फिर एक साथ तलवारें, अब खुद टेलीपोर्ट आएगा इनविंसिबिलिटी, ये बीम चला दी। ठीक है, अब कहाँ गया, अब सुइयाँ सुइयाँ आई हैं, पीछे चले जाओ। ठीक है, अब बीम चलाएगा, फिर से कहीं जाएगा और सुइयाँ चलाएगा, यहाँ आया पीछे चले जाओ। ठीक है, अब मेरा डायमेंशन खोलेगा। ठीक है, अब तलवारें आएंगी, भागो भागो, अबे कहाँ कहाँ मेरा डायमेंशन है, अब बीम चलाएगा इनविंसिबिलिटी। ठीक है, कहाँ है, सुइयाँ आ गई, पीछे जाओ, यस। ठीक है, अब एक बीम चलाई, अब वापस से टेलीपोर्ट होके सुइयाँ चलाएगा, ये लो। ठीक है, अब मेरा डायमेंशन, उसके बाद तलवारें, ये ओके ये वाला पार्ट आ गया, अब ये आखिरी पार्ट है, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सारे स्ट्रेंज के क्लोन्स को मारना है और टाइम से पहले मारना है, मुझे नहीं पता कितना टाइम होता है पर बस आप जल्दी जल्दी मार दें, इतना ध्यान रखें। एक और क्लोन बचा है, ये अब जाओ अल्टी चलाते इसके ऊपर बिना उसके मर जाता है, काश अल्टी चला पाता। तो आप देख सकते हैं ये है मेरे डॉक्टर स्ट्रेंज का परफेक्ट रन, मैजिक से भी ज़्यादा अच्छा। आप देख सकते हैं सर, एक बार भी मेरी हेल्थ 50% से नीचे नहीं गई होगी। ठीक है ना, तो ये मैंने पूरी अच्छी तरीके से आप डॉक्टर स्ट्रेंज के पैटर्न्स को समझ लिया है। ओके, तो आप जिन्होंने भी मैजिक की वीडियो देखी है उसके बाद वो स्टॉर्म की वीडियो भी देखें, मैंने इसके अंदर ज़्यादा अच्छे पैटर्न्स को बता रखा है। रही बात इसकी, तो इसको स्किप करते हैं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, स्टोरी में इसने मफिस्टो को अपने अंदर डाल रखा था, क्योंकि मफिस्टो को हमने हरा दिया है, सॉरी डॉक्टर स्ट्रेंज को, तो मफिस्टो बाहर निकल जाएगा क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज कमजोर हो गया है। ठीक है, तो यही खत्म होती है हमारी डॉक्टर स्ट्रेंज की वीडियो, मैंने आपको मार के बताया है, पैटर्न दोबारा बता दिया है, एक बार समरी दे देता हूँ। समरी ये है, सबसे पहले आते ही ये टेलीपोर्ट होकर एक सुई चलाएगा और फिर सुइयाँ एक डायरेक्शन में आपकी तरफ फोकस कर देगा। ठीक है, जब ये फोकस कर रहा होगा तब आप इसके पीछे चले जाइए और पीछे जाके से आराम से मारिए एक दो सेकंड, ये जहां फोकस करेगा वहां अपनी सुइयाँ चलाएगा, फिर एक छोटी सी बीम चलाएगा अपने हाथ से। ठीक है, टेलीपोर्ट होगा, बीम चलाएगा और फिर टेलीपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बीम कम डैमेज करती है तो इसमें इनविंसिबिलिटी चलाने की जरूरत नहीं है। जैसी बीम चलाएगा फिर से ये सर्कल सुइयाँ चलाएगा, जैसी सर्कल सुइयाँ चलाएगा फिर से आपकी तरफ ये फोकस करेगा, तीन चार सुइयाँ बनेगी, तीन जितना कम हेल्थ जाएगी उतनी ज्यादा सुइयाँ बनती जाएगी, जब आप फोकस करें उसके पीछे चले जाएं। ठीक है ना, फोकस अपने पास होने दे थोड़ी देर तक, जब सारी सुइयाँ आपकी तरफ फोकस कर ले तब पीछे चले जाएं और पीछे जाके आराम से मारे, फोकस के थोड़ी देर बाद वो सुइयाँ उस साइड चल जाएगी जहां उसने फोकस किया था, जबकि आप वहां से जाके
हट के पीछे आ चुके हो, डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे आ गए हो, ठीक है। जैसे ही आपने फिर उसको फिर से मारा, उसके बाद ये मिरर डायमेंशन चलाएगा। मिरर डायमेंशन पहले 3 ही चलते हैं, और जैसे जैसे हेल्थ कम होती जाएगी वैसे वैसे बहुत ज़्यादा मिरर डायमेंशन वैसे वैसे बहुत ज़्यादा मिरर डायमेंशन बढ़ते जाएंगे। जैसे मेरा डायमेंशन भी चल रहा हो तब भी आप इसे डैमेज कर सकते हैं। जैसे ही मेरा डैमेज चल जाए सोई भागे, क्योंकि उसके बाद सर्कल में से अब तलवारें निकलेंगी। वो तलवारें आपको 3 बार निकलेंगी और फिर एक साथ तीनों आपकी तरफ निकलेंगी। भागते रहे भागते रहे भागते रहे। जब से आप जैसी तीनों तलवारें एक साथ आए, या फिर कम हेल्थ होने पर 4 या 5 तलवार भी एक साथ आती है, जैसे जैसे कम हेल्थ होती जाएगी वैसे वैसे तलवारों की संख्या बढ़ती जाती है। आपने ध्यान दिया होगा पहले 3 थी, फिर 4 हुई, फिर 5 हो गई, ठीक है। फिर जैसी 5 तलवारें चली मान लो, उसके बाद 5 तलवारें एक साथ चलती हैं, आप वहां से भागते रहे भागते रहे भागते रहे। जैसी 5 तलवारें एक साथ चल जाए, उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज जहां भी होता है वहां से टेलीपोर्ट करके आपके पास आएगा, अपने हाथ से एक बीम छोड़ेगा। वो बीम मैंने आपको बताई अच्छा खासा डैमेज करती है, कई बार 40%, कई बार मेरे को 1 हिट भी हुआ है जब मैं पिछली बार हारा था, ठीक है। तभी 60-70% हेल्थ थी, उसने बीम चलाया मैं मरी गया पूरा। हमेशा उस बीम पे इनविंसिबिलिटी चलाएं, ठीक है। इनविंसिबिलिटी या डॉज जो भी आप इस चीज को कहते हैं, ठीक है ना, मैं तो इसे इनविंसिबिलिटी कहता हूं, तो इनविंसिबिलिटी चलाएं उस बीम के वक्त, ठीक है। तो जैसी 5 तलवार एक साथ चले, डॉक्टर संगीत देखो जैसे ही उधर टेलीपोर्ट हो रहा हो इनविंसिबिलिटी चला दो, या थोड़ी देर बाद खुद ही इनविंसिबिलिटी चला दो, ठीक है। आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद जैसे वो इनविंसिबिलिटी चला दे, उसके बाद फिर से उसे मारने जाओ, फिर से वो वही करेगा, सुइयां चलाएगा, सुइयों के बाद सुइयां फोकस करेगा, उसके बाद फिर एक बीम चलाएगा, फिर से टेलीपोर्ट होकर सुइयां फोकस करेगा, यही सब कुछ चलता रहेगा। उसके बाद जब इसकी कम हेल्थ होगी, जब 2 या 1 बार बचाओगा, तब ये बहुत बड़ा सा ग्लोब बनाएगा जिसमें आपको घोस्ट राइडर के प्रोटेक्शन ग्लोब में बचना है। उसके बाद एंड में 6 इल्यूजन या 5 इल्यूजन बनाएगा जिसे मारना है, डॉक्टर स्ट्रेंज खत्म। यही है पूरी समरी डॉक्टर स्ट्रेंज की। सारे पैटर्न्स बहुत ही सिंपल है डॉक्टर स्ट्रेंज को मारना, ठीक है। तो यही थे उसके सारे पैटर्न्स, और मैंने आपको उसके डैमेज भी होके बताया अपने ऊपर, और उसके बाद परफेक्ट रन भी बताई, ठीक है गाइस। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।